If the present government is serious and sincere towards the welfare of Muslim empowerment, अगर उनकी चिंता है तो उनके जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि सरकारी जॉब्स में कैसे नौकरी मिलेगी, उनका एजुकेशन कैसे होगा, उनको टेक्निकल स्किल्स कैसे दी जाएंगी, उनको लोकल बॉडीज में, असेंबली में, पार्लियामेंट्स में पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स कैसे मिलेंगी। जिस तरह एससी एसटी का कोटा होता है, पार्लियामेंट और असेंबली में भी इनको कोटा करना चाहिए हमारी मुस्लिम बहनों के लिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर नियत रहती इनकी तो 303 जो इनका तादाद है सर, उसमें एक ना एक मुसलमान जरूर जीत के आता। 335 एनडीए मेंबर चुन के आए सर, और उसमें सिर्फ एक मुसलमान आया है, उसको भी मंत्री पद इन्होंने नहीं दिया। तो इनकी नियत इससे साफ जाहिर होती है सर। सर, सर अगर सही माने में चिंतित होती तो इनको दर्द होता साइस्ता जो 19 साल की लड़की है, जिसके शोहर तबरेज को झारखंड में लिंच करके मार दिया गया। इनको चिंता होती तो जस्टिस दिलाते अखलाक साहब की बीवी को, जुनेद की मां को और जैनुल साहब की और बच्चियों को दिलाते, लेकिन ये नहीं चाहते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री झारखंड में जब पिछले महीने घटना हुई थी तो काफी अफसोस सर, मेरा 20 मिनट का टाइम है, आपने 5 मिनट दिया है? आप प्लीज देखिए, समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ सर, नियम से चलता है। हाँ, तो 5 मिनट नहीं है मेरा, प्लीज 15 मिनट टाइम है मेरा सर। है कई वक्त है, मैं बोल रहा हूँ, आधा भी नहीं हो पाएगा सर, दूसरा समय नहीं मिलता फिर। चलिए बोलिए। तो सर, प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई सर, नहीं प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई और लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की फिर वही झारखंड में हत्या हो गई लिंचिंग के तहत, और 4 गैर मुस्लिम की हत्या हुई। तो अगर सही माने में प्रधानमंत्री चाहते तो पिछले साल ही एक्शन लेते, जब उनके मंत्री ने 8 कन्विक्स जो मर्डर कन्विक्स हैं उनको जाके माला पहना के सम्मानित किया। सर सर, आज माहौल जो बनाया जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन रहा है, और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा है, ये कमजोर दलित माइनॉरिटीज ट्राइबल्स के खिलाफ ये माहौल बन रहा है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है, यूपीए को मजबूत किया जा रहा है। तो आज के दिन जो माहौल है उस पर मैं कुछ आपको एक लाइन पढ़ के बताना चाहता हूं सर। एक मशहूर पास्टर मार्टिन निमोलिन ने कहा था आज से लगभग 80 साल कबल, फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशलिस्ट, देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, देन दे केम फॉर द ज्यूज एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ज्यू, देन फाइनली दे केम फॉर मी एंड देर वॉज नो वन टू स्पीक फॉर मी। सर एग्जैक्टली वही माहौल हो रहा है सर, और इससे हमें बचना होगा। आखिर में सर, कंक्लूड करने के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो बिल लाया गया है मुसलमानों को जेल करने का नया तरीका है, ये या तो टेररिस्ट करार सही पहले सर, ये मैं कंक्लूड सर, ये जो कानून लाके मुसलमानों को जेल सर, प्लीज नाउ कंक्लूड। ओके टाइम इज अलॉटेड अकॉर्डिंग टू बीएससी, 5 मिनट्स आप दे रहे हैं मुझे। मुसलमानों को जेल भेजने के लिए नया कानून बनाया सर, या तो टेररिस्ट घोषणा करके अंदर कर दो, या तबरेज के तरह लिंच करके मार दो, या नहीं तो 3 लफ्जों में उसको जेल भिजवा दो,
तीन बार तलाक बोलो और 3 साल के लिए अंदर कर दो, ये चाहती है सरकार। चलिए, और कितने नए तरीके निकालेगी मुसलमानों को श्रीमती बर्बाद करने के लिए। Therefore, I oppose this bill and request the honorable minister who comes from Patna, my state, to send this bill to the standing committee for review and make laws for separated women of all communities, not just Muslim, जिसके तादाद सर इन्होंने बताया 345 मुसलमानों को तलाक में इन्होंने बताया कि अभी अब जजमेंट के बाद 345 353 लोग 345 मुसलमान औरतों के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं। ये अपीजमेंट है, ये बदनाम हमें कांग्रेसियों को बदनाम करते हैं कि हम मुसलमान का अपीजमेंट करते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि असल अपीजमेंट ये मुसलमान औरतों का करना चाहते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत बिल्कुल जैसा हमने कहा कि इनकी नीयत है कि जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको किस तरह कुचल के उनको एक किनारे में ठेला जाए और ताकि इनकी हुकूमत ठीक से चल सके। मैं इस बिल को अपोज करता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया।